तो यो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका दिन हमेशा की तरह अच्छा गया होगा। अगर नहीं गया तो ये सुनने के बाद आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, ये बात की तो गारंटी मैं ज़रूर देता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं स्किप एंड लोफर के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। देख लो भाई, आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कर लेना, क्योंकि मैं अभी कन्फर्म नहीं हूँ भाई। इतने एनिमेस देखता हूँ मैं दिन में कि किसका एपिसोड करना है वो भी भूल जाता हूँ। आई थिंक 7 ही है, तो वो तो थंबनेल में दिख ही जाएगा यार, अपने ये टाइटल में दिख ही जाएगा। तो बिना कुछ देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारे जो मित्सुमी रहती है वो बहुत खुश रहती है, क्योंकि कल हमने जैसा देखा था अपने प्रीवियस एपिसोड में कि जो वो सीमा से अपना कन्फेशन कर लेती है और वो क्लियर हो जाती है अपने दोस्ती के बारे में, तो वो खुश रहती है कि भाई उसका मैटर क्लोज हो गया और मतलब वो अभी भी फ्रेंड्स हैं और उनकी दोस्ती नहीं टूटी है। और बेसिकली और एक खुशखबरी ये रहती है क्योंकि उनके जो एग्ज़ाम्स है वो मतलब वो टोटली प्रिपेयर्ड रहती है, और लाइक वो बोलती है अब तो मैं टेंशन है, तो वो एग्ज़ाम इतना क्लोज आ गया कि अब पढ़ोगे भी तो याद नहीं रहेगा, ऐसा टाइम है। तो वो बोलती है कि मैंने तो पढ़ लिया, तो अब मैं फ्रीली कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करूँगा जिससे मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और मैं एग्ज़ाम में आराम से लिख सकती हूँ। और वो कुछ प्लान करती रहती है। जब वो प्लान करती रहती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि आज स्टूडेंट काउंसलिंग का एक राउंड टेबल मीटिंग है जिसमें उसको इनवाइट करा गया है। ये सुन के तो उसके तो चांद ही चांद लग जाते हैं हमारे मित्सुमी के। और हमें देखने को मिलता है कि जब वो क्लास ख़त्म होती है तो मित्सुमी हमारी जाती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पर वो लोग बातें करते हैं। बेसिकली वो हुआ ये रहता है कि हमारे जो स्टूडेंट काउंसिल का जो यूनियन रहता है उसका जो प्रिंसिपल जो भी मतलब वाइस कैप्टन था या फिर कैप्टन मतलब जो भी कैप्टन था वो रिटायर में तो वैसे हट जाता है अपने पोस्ट से, तो एक नया प्रेसिडेंट चूज़ करना रहता है। और बेसिकली वो चूज़ हो चुका होता था, और हमारी जो मित्सुमी है वो सोचते कि उसकी जो बड़ी सेनपाई है जिसका नाम है ताकमी, वो बेसिकली प्रेसिडेंट बननी चाहिए वो सोचती है। बट वहाँ जाके वो जब देखती है कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वहाँ पर एक नया बच्चा रहता है, मतलब एक बेसिकली एक नया स्टूडेंट रहता है, और वो देख के वो थोड़ा मतलब शौक में आ जाती है। और उसका नाम रहता है हीरोतो, और बेसिकली हीरो तो एक मतलब वो एक फुटबॉल टीम का कैप्टन रहता है सेकेंड ईयर का, और जो कि अभी गेम से रिटायरमेंट ले गया है क्योंकि उसका जो पैर है उसका इंजरी हो जाता है वहाँ पर। और ये देख के थोड़ा मित्सुमी शौक रहती है, बट वो एट द एंड हमारे ताकमी से पूछती है कि तुम खुश हो, तो वो उसको एक्सप्लेन करती है कि हाँ मैं खुश हूँ। और एक बैक स्टोरी दिखाते हैं कि जब वो ऐसे नेम्स डालते हैं ना लिफाफे में कि मेरे को सिलेक्ट करो बोल के, तो वहाँ पर सोचती है ताकमी ची क्योंकि एक अकेली क्वालिफाइड लड़की रहती है जो कि बेसिकली प्रेसिडेंट बनना चाहिए, बट एंड मोमेंट में हमारा जो हीरोटो है वो भी डाल देता है। और बेसिकली हीरोटो थोड़ा फेमस रहता है हमारे कॉलेज में अराउंड सीमा की तरह, तो वो सिलेक्टेड हो जाता है क्योंकि सारी लड़कियों ने तो उसे ही वोट करा था। और जो बच्चे कुछ थोड़े उसके दोस्त थे उसमें से मतलब ओवरऑल रेशियो थोड़ा हमारे हीरोटो के साइड में था, तो हीरोटो थोड़ा प्रेसिडेंट बन गया। हमारी वाइस प्रेसिडेंट अभी वैसे की वैसी ताकमी ही रहती है। और ये बात थोड़ा ताकमी जी को चुकता है कहीं, क्योंकि उसने बहुत प्रिपरेशन करा था क्योंकि उसको पता था कि इस साल तो वो प्रेसिडेंट डेफिनेटली बनेगी क्योंकि उसने हर क्वालिफाई मतलब हर लेवल क्वालिफाई करा है इसके लिए, और उसका रूटीन मतलब जो भी है प्रॉपर उसने डिज़ाइन करा हुआ था अपना टाइम टेबल कि वो, और उसने तो फ्यूचर प्लानिंग भी कर ली थी भाई कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या क्या करेगी और किस किस को ठोकेगी और किस किस को लाइक बजट बढ़ाने वगैरह वगैरह सब सोच लिया था, बट सारा फ्लॉप हो गया। फिर हम टाइम में आगे आ जाते मतलब जहाँ नॉर्मल टाइम प्रेजेंस में आ जाते हैं, और वहाँ पर हमारे जो ड्रामा वाले भैया रहते हैं वो भी वहीं पर प्रेजेंट रहते हैं, और वो हमारे मित्सुमी से बात करते रहते हैं और बोलते हैं कि मैं भी थोड़ा शॉक हूँ ये डिसीजन देख के, क्योंकि मुझे लगा था कि मित्सुमी ही होनी चाहिए थी, मतलब मित्सुमी तुझे पता है ना कि हमें ताकमिची को ही वोट करना था, तूने किसको करा। और दोनों ऐसे बातें करते रहते हैं, और दोनों ही बात करके ये मतलब ओवरऑल टॉपिक ये रहता है कि हमें ताकमिची को ही मतलब प्रेसिडेंट बनना चाहिए, बट हमारे मित्सुमी बोलते हैं कि चलो हम जाके पूछ लेते हैं क्या हुआ। फिर दोनों जब हमारे ताकमी के पास जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मतलब वो थोड़ा पहले तो ब्लश करते फिर रो के वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद हमारे जो मित्सुमी रहती है वो आगे का स्टोरी समझाती है कि क्या क्या हुआ, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि वो सिलेक्शन के टाइम कैसा हुआ, वही चीज़ हमारे मित्सुमी हमारे वो ड्रामा वाले भैया को बताती है। फिर हमें ड्रामा वाले भैया अपोलॉजी करते हैं कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं पूछना था उससे। उसके बाद मित्सुमी बोलती है कि हाँ देखो
हम जो भी जिंदगी में करते हैं ना उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, वही सेम चीज़ इनके साथ हुई है, क्योंकि इन्होंने बीज तो बोया था बट इनका प्लांट अभी तक ग्रो नहीं करा है। वो डेफिनेटली कभी ना कभी करेगा बट अब उसका अभी उसका टाइम नहीं आया है, इसीलिए वो अभी प्रेजेंट नहीं बनी, बट जिस दिन बनेंगी वो डेफिनेटली एक अच्छा फूल बनेंगी, मतलब बेसिकली बोलते बहुत अच्छी लीडरशिप करेंगी और एक अच्छा इंप्रेशन जताएंगे मतलब पूरे स्कूल के ऊपर। ये सुनने के बाद दोनों ही थोड़ा खुश रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और वो हमारी जो मिचमी है वो क्लास चली जाती है, और वो जब क्लास अटेंड करके फिर वो लोग सारे घर चले जाते हैं और वो डे वहीं पर क्लोज हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे देखने को मिलता है कि जब हमारी मिचमी बहुत जल्दी उठ जाती है बेसिकली, और उसकी आंट को भी आज थोड़ा मतलब जल्दी जाना होता था, तो दोनों मिलकर ट्रैवल करते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ रहता है, मतलब एक ही तरफ रहता है, उनका जो ऑफिस है वो भी थोड़ा उस तरफ ही रहता है और हमें मिचमी का कॉलेज दोनों थोड़े क्लोज रहते हैं लाइक, तो दोनों ने सोचा कि मिलके ट्रैवल करते हैं और जल्दी निकलते हैं आज घर से। तो दो लोग जब दोनों ऐसे जाते रहते हैं तो हमारी आंट रहती है वो हमारे मिचमी से पूछती है कि तुम्हारे तो हॉलीडेज आ रहे हैं, एग्जाम्स तो अभी ख़त्म होने को ही आया है, मतलब एंड होने को आया, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फिर तुम अपने गाँव जाओगी। तो हमारी मिचमी बोलती है कि हाँ मैं गाँव जाके पहले तो भूमि के साथ बहुत बातें करूँगा, फिर हम लोग घूमने जाएंगे, फटाके फोड़ेंगे, पूरा समर वेकेशन मस्त से बिताएंगे, डेली मैं तो डेली बीच जाऊँगी। और मैं वो बोलती है कि काश मेरे साथ सीमा को मैं इनवाइट कर सकती, और बेसिकली वो सीमा का नाम ज़्यादा बार लेती है आंट के सामने, तो आंट थोड़ा पूछती है कि तुम आजकल थोड़ा सीमा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करने कर रही हो, तो हमारे मिच्छू बोलते कि वो मेरे मेल फ्रेंड से सबसे अच्छा दोस्त है। और ये सुन के हमारी आंट थोड़ा ब्लस करती है और बोलती है कि लड़की लाइक मैच्योर स्टेट पर आ गई है क्योंकि उसने एक लड़के का बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। और वो सोचती रहती है अपने मन में हमारी आंट की, वो लड़का कैसा है, अच्छा है कि नहीं, बुरा है क्या, गैंगस्टर है ऐसा वगैरह वगैरह। और हमारी आंट वहाँ से ट्रेन चेंज करके चली जाती है बट उनके दिमाग में वही रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहती है कि वो लड़का कैसा है। फिर हमारी मिचमी जब कॉलेज पहुँचती है तो मतलब पहुँचने जाती है, स्टेशन से उतर के जब स्कूल कॉलेज की तरफ से मुड़ती है तो देखने को मिलता है कि वहाँ पर हमारा सीमा रहता है, एक लड़की के साथ बात करता रहता है। और हमारी जो मिचमी वो देखती है कि जो लड़की रहती है वो अपोलॉजी करती है हमारी सीमा से, वहाँ से दौड़ के चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद जब सीमा वहाँ पर आता है और दोनों बात करते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि बेसिकली उस लड़की ने वहाँ पर ऑन द स्पॉट उसे प्रपोज कर दिया था और उससे वो नंबर मांग रही थी हमारे सीमा से, बट हमारे सीमा ने उसे मना कर दिया। उसके बाद दोनों फिर से स्कूल की तरफ चलना चालू कर देते हैं। फिर हम चालू करते हैं तो उनके अंदर नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है कि समर हॉलीडेज में क्या क्या करेंगे। तो हमारी मिचमी वो बोलती है कि मैं अपने पहले तो जब छुट्टी होने से पहले, जब मैं गांव जाने से पहले एक बार यहाँ की जू को जाऊंगी और वहां से पांडा के साथ सेल्फी खींचूंगी और उसके साथ पांडा वाला पर्स, पांडा वाले क्लिप्स, पांडा वाले पेंसिल लेके मैं फूमी के लिए जाऊंगी गांव। तो हमारा जो सीमा रहता है वो बोलता है कि भाई देख लो समर हॉलीडेज़ में तो बहुत रश रहता है, तो तुम्हें मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत ही बाद जाके विजिट कर लेना चाहिए, वरना तुम बहुत रश में फट जाओगी और मतलब पड़ जाओगी, और सॉरी फट नहीं जाओगी, पड़ जाओगी बोला मैंने, ठीक है, और मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। तो पड़ जाने के बाद वो बोलता है कि तो मैं भी सोच रहा था जाने का। इससे ये सुन के हमारे जो मिचमी है वो थोड़ा ब्लश करती है। और फिर वो दोनों जब चाहते रहते हैं ऐसे बातें कर करके, तो वहाँ पर और दो लड़कियाँ आती है जो कि हमारे सीमा को हाय बोलती है, और बेसिकली वो लड़कियाँ सीमा को जानती है बट सीमा उन लड़कियों को नहीं जानता है। और ये देख के हमारी मिचमी और ब्लश करती है कि ये भाई इतना कैसे फेमस है कॉलेज में। फिर दोनों जब कॉलेज पहुँचते हैं तो वहाँ पर बातें करते रहते हैं नॉर्मल, और उनका डे बहुत नॉर्मली जाता है क्योंकि नॉर्मली जाता है। और जब वो लोग बैठे रहते हैं ना, मतलब जैसे ही उनका क्लास ख़त्म होता है तो वो लोग सोचते हैं कि आज मिलके पढ़ते हैं, तो हम वो लोग सोचते हैं कि हम लोग यूनियन काउंसिल के स्टूडेंट यूनियन काउंसिल के रूम में जाके पढ़ते हैं क्योंकि वो बेसिकली खाली पड़ा रहता है बेसिकली ज़्यादा टाइम। तो मतलब फॉर्चुनेटली वहाँ पर जब सीमा और हमारे मिचमी जाते हैं पढ़ने तो वहाँ पर उन्हें ताकिमी भी मिल जाते हैं, तो तीनों मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर उसी समय वहाँ पर हमारे ड्रामा वाले भैया आ जाते हैं और वहाँ पर वो तुरंत से सारे ऐसे बुक्स फेंक देते, बोलते पढ़ना बहुत हो गया, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, और तुरंत से अपना प्रोजेक्टर चालू करते हैं और उन लोग को एक अच्छी सी मूवी दिखाते हैं। मूवी तो नहीं, बेसिकली वो हिरोटो का जब वो बचपन में था तो उसने भी हमारे सीमा की तरह ऐसे एक सीरीज़ में काम करा था, मतलब एक टीवी सीरियल में काम करा था, वो बेसिकली उसके क्लिप्स दिखाते हैं और बोलते कि इसको मैंने डायरेक्ट करा हुआ है हमारे ड्रामा वाले भैया। और ऐसा सुन के मतलब वो देख क्लिप्स देखते हैं और देखने के बाद वो लोग थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा रोते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फनी मोमेंट्स होता है, रोते तो नहीं है बेसिकली थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। और वो जब क्लिप के एंड आते आते तो हमारे जो ड्रामे वाला भैया रहता है उनका थोड़ा बेइज्जती हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि बस मैं तो इतना ही दिखाऊंगा, तुमने बहुत बेइज्जती कर ली, अब आगे नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद वो सीन कट हो जाता है, फिर दिखाया जाता है कि वो लोग जब मतलब वो सीन कट हो जाता है, फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हमारे जो ताकमी रहती है
वो अब सेटिस्फाइड रहती है हमारे हीरो जो भी प्रेसिडेंट बना, और वो सोचते कि इस साल तो नहीं बना बट मैं अगले साल जरूर बनूंगी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट नहीं बनी तो भी वाइस प्रेसिडेंट 3 साल तक मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है, जो कि रियली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर साल हमेशा प्रेसिडेंट ही चेंज होता है, बट 3 साल से लगातार एक वाइस प्रेसिडेंट अब तक चेंज भी नहीं हो पाया। मतलब सोचो वो अपनी पोजीशन को किस तरह होल्ड करके रखी थी। तो ये होने के बाद वो थोड़ा पॉजिटिव आ जाते हैं, फिर हमारे मित्सुमी भी देख के खुश हो जाते हैं, फिर उसी टाइम वहाँ पर हमारा हीरोटो वहाँ से गुजरता रहता है, तो ताकमी और हमारे मित्सुमी जाके वहाँ पर उसको बातें करते हैं, और हमारे जो ताकमी है वो बोलती है कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं तुम्हारे साथ आगे काम करने का मतलब बहुत ग्लैड हूँ कि तुम्हारे साथ काम करूँगी मैं आगे और तुमसे सीखूँगी बहुत कुछ, और ये बताती है कि मैं तुमसे कल मिलती हूँ क्योंकि तुम्हें मुझे टाइम टेबल बताना है कि आगे क्या क्या करना है। हीरो तो कुछ समझता नहीं क्योंकि वो तो पहला दिन है उसका, और वो वहाँ से चला जाता है और उसे इग्नोर मार देता है उन दोनों लड़कियों को, बट इन दोनों लड़कियों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब आ जाता है उसी समय ही मतलब। और जब तब हमारे ताकमी जो रहती है वो चली जाती है वहाँ से, फिर हमारे मित्सुमी भी रेगुलर क्लास आ जाती है, मतलब क्लास आती है सबको बाय करने के लिए, बट जब वो बाय करते आने वाली रहती है तभी हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो मीका रहती है वो बेसिकली पीछा करती रहती है सीमा का, और सीमा को देखती रहती, क्योंकि आज ये जो एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले ना बहुत जनों ने प्रपोज करा रहता है सीमा को, तो हमारी मीका भी एक जन तो है कि वो सोचती है कि भाई किसी को उसने हाँ तो नहीं बोल दिया, अगर हाँ बोल दिया तो मेरा तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, ऐसा मतलब स्पाई करती रहती है, और स्पाई करने के बाद वो सोचती है, मतलब देखती है कि वो एक लड़की के साथ बात करता रहता फ़ोन में, और उसके बगल में हमारी मित्सुमी खड़ी रहती है, और सीमा जब उसका फ़ोन उठा कर उससे बात करता है तो उसे पता चलता है, मतलब वो बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि तुम स्कूल के गेट के बाहर ही रहो अंदर मत आओ, और उसी समय हमारा सीमा दौड़ के वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि बहुत अर्जेंट है मेरे को मित्सुमी और मुझे जाना है। तो ये बात सुन के हमारा जो मीका है वो भी उसके पीछे दौड़ने लगती है, तो वो देखती है कि वो एक बड़ी मतलब एक एक्ट्रेस रहती, एक्ट्रेस नहीं एक हाँ मॉडल रहती है जो कि फ्रंट पेज पे आती है, उनके मॉडल ईयर वाले जो कॉपीस आते हैं ना फैशन के उसके फ्रंट पेज पे रहती है हमेशा, और वो हमें तो अभी तक सस्पेंस है कि वो कौन लगती है हमारे सीमा का, बट सीमा उसको देख के बहुत ब्लश करता है, और वो लड़की बहुत लाइक रूड टाइप की बिहेव करती है, थोड़ा डॉन टाइप का वाइब आता है उससे, और हमारा सीमा जब दौड़ के गेट तक जाता है बट वो लड़की अंदर आ जाती है, और ये देख कर हमारा मीका और मित्सुमी चौंक रहे आते हैं कि ये लड़की कौन है जो सीमा से ऐसा है, और सीमा इतना घबरा रहा है और उसे ऐसे क्लोजली लेके जा रहा है। ये देखने के बाद वो सीमा और वो लड़की तो चले जाते हैं, बट हमारी जो मीका है वो आके मित्सुमी से बात करती है और बोलती है कि तुमने देखा वो लड़की कौन थी तुम्हें पता है, बट हमारे मित्सुमी को तो इतना फैशन के बारे में पता नहीं रहता है, तब वो बोलती है मुझे तो नहीं पता तुम्हें पता है तो बताओ, तो वो खोल के मैगजीन का पहला पेज दिखाती है, तो हमारा मित्सुमी जो है वो 2 मिनट तक सोचती है कि क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर वो ध्यान से जब उसका चेहरा उसके चेहरे से इमेजिन करती है तो बोलती है अबे इसको हमने तो अभी देखा था ये कौन लगती है, और दोनों के अंदर बहुत सारे वियर्ड से थिंग्स आने मतलब सोचने चालू हो जाते हैं, और वो सोचते सोचते हमारा ये एपिसोड भी सोच में पड़ जाता है और ख़त्म हो जाता है, और अभी तक तो नया एपिसोड नहीं आया मतलब कल आने वाला है, तो सोच तुम भी सोचते रहो दोस्तों और मैं भी सोचता हूँ कि क्या होने वाला आगे, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। होप आपने इन्जॉय करा ये एपिसोड, और अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगी तो आप लाइक कर सकते हो और कमेंट कर ज़रूर करना कि कैसी लगी वीडियो, वॉइस क्वालिटी वगैरह वगैरह जो भी इम्प्रूव करनी हो। तो आज के लिए था बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।